हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ थर्ड्स की, जो कि फोटोग्राफर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और किसी भी फोटो को अगर हम कंपोज कर रहे हैं तो इस रूल का यूज़ करके उसे हम बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली क्या होता है, हमारा जो भी कैमरे का फ्रेम है इसको हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे होता क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमको 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं, जिसे हम क्रैश पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पावर पॉइंट बोलते हैं। और इन फ्रेम के जो बीच में हमारा सेंटर होता है फ्रेम का, उसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। उसको हम डेड सेंटर क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और इस रूल में हमारी जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हॉरिजॉन लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन लाइन से मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां हमको लगे कि ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, आप किसी सी के पास खड़े हैं तो एक पॉइंट पर ऐसा लगता है आपको जाके, हाँ इस पॉइंट पर समुद्र और बादल आपस में मिल रहे हैं। तो इस वो मतलब ये जो हमको अजम्पशन होता है, और उस लाइन को ही हॉरिजॉन लाइन बोलते हैं। तो हमारे रूल ऑफ थर्ड्स में दो हॉरिजॉन लाइन होती हैं, एक हमारे फ्रेम के ऊपर साइड होती है, एक नीचे साइड होती है। ये हमारे फ्रेम में इसलिए होती है क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए हम कोई लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, और जैसे एक सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक सी को शूट कर रहे हैं, एक सनसेट का समय मूवमेंट चल रहा है, आसमान में बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, तो अगर हमारे फोटो में स्काई की तरफ ज़्यादा डिटेल्स हैं और जैसे सी हमारा बिल्कुल प्लेन है, ज़्यादा उसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे ऊपर का जो हमारा 3/4 पार्ट है उसमें हम अपने स्काई को लेकर के आएँ, और जो हमारा रेस्ट पार्ट है उसमें हम सी को लेकर आएँ, क्योंकि हमारे सी में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और यदि कहीं इसका उल्टा हो, जैसे सनसेट का मतलब जैसे कोई भी मोमेंट हो, सनसेट का ही मोमेंट हो और स्काई थोड़ा क्लीन हो, बर्ड्स वगैरह नहीं हो, लेकिन आप देखेंगे कि सी में ऐसे बोट्स वगैरह जा रहे हैं, हमको अच्छा सिल्वेट्स मिल रहा है, तो ऐसे में हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो नीचे का 3/4 पार्ट है उसमें हम सी को लेकर के आएँ और बाकी के रेस्ट पार्ट में हम, और इसमें जैसे जो हमारे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी फ्रेम में जो भी हमारा सब्जेक्ट हो वो इन पॉइंट्स के आसपास है, क्योंकि हर पॉइंट्स का एक अपना अलग अलग परसेंटेज होता है, और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जैसे हमारे फ्रेम में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको उन परसेंटेज के हिसाब से हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे किसी पॉइंट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो मतलब उस पॉइंट पर हमारी आँखें सबसे ज़्यादा गौर करती हैं किसी फ्रेम पर, तो जिसको हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपने फ्रेम में कि हाँ ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उस पॉइंट पे हम उसको अपने आराम से अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट है डेड सेंटर, कि हम अपने सब्जेक्ट को डेड सेंटर पे कब रखना चाहिए। डेड सेंटर का मतलब ऐसे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे अगर हम फोकस करें तो फ्रेम की अदर चीज़ें हमको उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती या हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर हम कभी चाहते हैं कि जो भी हमारा व्यूवर हमारी फ़ोटो देख रहा है वो हमारे सब्जेक्ट पे ही फोकस करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर सेंटर में रखेंगे, और इससे क्या होगा, जैसे जो भी हमारा फ़ोटो देख रहा है उसको हमारे सब्जेक्ट पे ही फोकस रहेगा, अदर बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, उसके आसपास की क्या चीज़ें, उसको उतना ध्यान नहीं जाएगा उसका। और दूसरा ये है कि जैसे अगर हमारे फ़ोटो में हमको सिमेट्री मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में अपने सब्जेक्ट को हम सेंटर में रखेंगे। तो आई होप रूल ऑफ थर्ड्स को थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।